सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। श्री बंसीधर नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में शनिवार को वैज्ञानिक सोच के विकास विषयक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ प्लस टू हाई स्कूल प्राचार्य सुमन रानी जायसवाल, प्रधानाचार्य कृष्णकांत दुबे सहित मौजूद गणमान्य जनों द्वारा भारत माता ओम मां शारदे के चित्र के समक्ष संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुमन रानी जायसवाल ने कहा कि समाज में फैले अंधविश्वासों को हम वैज्ञानिक सोच के द्वारा दूर कर सकते हैं, इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कार्यशाला बहुत ही सार्थक है। कहा आज के यह बाल वैज्ञानिक भविष्य में लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बन सकते हैं, इसके लिए कठोर परिश्रम और लगन से पढ़ाई करनी होगी। वहीं कार्यशाला के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए विद्यालय प्रधानाचार्य कृष्णकांत दुबे ने कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण संवर्धन एवं उत्थान के लिए देश में विद्या भारती द्वारा सक्षम से ऊपर की कक्षाओं की भैया बहनों में वैज्ञानिक सोच के विकास हेतु कार्यशाला वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे रीति रिवाज एवं अनुष्ठानों के पीछे छुपे वैज्ञानिक पहलुओं को समझना होगा, जैसे हाथ जोड़कर नमस्कार करना, मंदिर में घंटी बजाना, हवन यज्ञ इत्यादि कार्य करना। श्री दुबे ने कहा कि अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के विषय में जानकारी रखनी चाहिए। वह श्रीनिवास रामानुजन, डॉक्टर कलाम, सर सीवी रमन, विक्रम साराभाई, जगदीश चंद्र बसु आदि शरीके वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधानों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना यही वैज्ञानिक सोच का विकास है। कार्यशाला के प्रथम सत्र में व्याख्याता बीबी कुमारी ने वैज्ञानिक सोच के विकास पर बच्चों को जानकारी दी, जबकि द्वितीय सत्र में विज्ञान शिक्षक कमलेश पांडे ने बताया कि हमारा देश जगत गुरु रहा है, ब्रिटिश कालखंड में हमारे शिक्षा पद्धति का ह्रास हुआ। उन्होंने विख्यात वैज्ञानिकों को जीवन वृत्त पर चर्चा कर भैया बहनों में विज्ञान एवं विज्ञान आचार्यों के प्रति रुचि जागृत किया। मंच का संचालन बहन साक्षी व आचार्य कौशलेंद्र झा ने संयुक्त रूप से किया, जबकि कार्यशाला के सफल आयोजन में समूचे विद्यालय परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूरा हम आज सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय श्री बंसीधर नगर में वैज्ञानिक सोच के विकास पर कार्यशाला आयोजित हुई। यह कार्यशाला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित है और भारतीय संस्कृति के संरक्षण संवर्धन एवं उत्थान हेतु संपूर्ण देश में विद्या भारती द्वारा प्रत्येक सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय में यह कार्यशाला आयोजित है। वर्ष में यह एक बार आवश्यक रूप से करना है। इसमें चार प्रकार की कार्यशाला है, भारतीय संस्कृति के संरक्षण संवर्धन एवं उत्थान के लिए, भारतीय नैतिक मूल्यों की स्थापना, वैज्ञानिक सोच का विकास, योग एवं स्वास्थ्य मानव जीवन। आज हम सभी इस वैज्ञानिक सोच के विकास पर कार्यशाला आयोजित किए हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत किया है। प्रकृति के रहस्यों को समझे बिना कोई भी संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर सकता है। हमारे रीति रिवाज एवं अनुष्ठान के पीछे वैज्ञानिक पहलुओं को समझना होगा, जैसे हाथ जोड़कर नमस्कार करना, मंदिर में घंटी बजाना, हवन यज्ञ करना इत्यादि, अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना। अभी पटना के तारामंडल में हमारे नवम के भैया बहन शैक्षिक भ्रमण हेतु गए थे। वहां ग्रह, तारा, उल्कापिंड, पुच्छल तारा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त किया। सभी भैया बहनों को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हमारे वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजम, एपीजे अब्दुल कलाम, सर बीवी रमन, विक्रम, हमारे वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजम, एपीजे अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र वसु, सर जीवी रमन, विक्रम साराभाई, वैज्ञानिक के द्वारा किए गए अनुसंधानों की पूर्ण जानकारी सभी भैया बहनों को प्राप्त करना चाहिए।